नरेला के इंडस्ट्रियल एरिया DSIDC के ई ब्लॉक में 909 नंबर की फैक्ट्री जिस पे आज सुबह 9:29 पे आग लगी थी, और जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त इस पे काम के लिए रिपोर्टिंग हो चुकी थी, लोग काम अपना शुरू कर चुके थे। बेसिकली ये जूते बनाने की फैक्ट्री है जिसमें अधिकतर प्लास्टिक के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस वक्त इस फैक्ट्री में आग लगी है, उस फैक्ट्री में ये जो सामने का इस वक्त ये जो सामने का ये जो खिड़की दिख रही है इसमें जाली लगी हुई थी, और अंदर इसका कंप्रेशर है। कंप्रेशर जैसे ही बिजली ऑन किया गया, कंप्रेशर हटा और इस जाली से एक व्यक्ति जो कंप्रेशर के पास था इस जाली से टकराया, और जाली सहित वो व्यक्ति नीचे इस जगह गिरा जो करीब करीब इस बिल्डिंग से 20 फीट की दूरी पे है। ये जो दिख रहा है ये खिड़की दूसरी मंजिल पे है। ये पहली मंजिल दूसरी मंजिल है, ये दूसरी मंजिल करीब करीब ऊंचाई काफ़ी है और दूसरी मंजिल के बराबर की ऊंचाई है। ये 20 फीट आगे गिरा और गिरते ही मौके पे उसकी मृत्यु और गिरते ही मौके पे इस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से दो व्यक्ति इस बिल्डिंग से कंप्रेसर से टकरा के बाद भगदड़ मच गिरे। इसके बाद भगदड़ मच गई ये बगल वाली, और भगदड़ में ये बगल वाली फैक्ट्री बाहर भग रहे, निकल के बाहर भग रहे। और ऐसा देखा गया अंदाजन कि इस फैक्ट्री में उस वक्त अंदाजन 150 से 200 लोग काम कर रहे थे। बताया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, ब्रिगेड के अधिकारियों द्वारा कि दो लोगों की मृत्यु हो चुकी, जिसमें अधिकतर लोगों को बताया जा रहा कि घायल और मृत्यु की संख्या हरिश्चंद अस्पताल 20 है। हरिश्चंद अभी हम हरिश्चंद हॉस्पिटल में हैं, और यहाँ अभी अभी हम कॉमरेड साजदा, कॉमरेड शबनम, हमारे सिद्धेश्वर शुक्ला जी और पुष्पा मैडम और मैं सत्यप्रकाश सभी हरिश्चंद अस्पताल आए थे, जहाँ पे हमने अभी अभी CMO मिस्टर अग्रवाल से बात की और विस्तार में बताएंगे सिद्धेश्वर शुक्ला जी। साथियों, नरेला में एक बहुत ही भयानक किस्म का हादसा हुआ है। उस फैक्ट्री में करीब 150 मजदूर काम करते हैं, 50 ग्राउंड फ्लोर पे, 50 मिडिल फ्लोर पे और 50 टॉप फ्लोर पे। सुबह 9:29 पे जब मजदूर छठ की छुट्टी के बाद पूरी संख्या में काम पे आए और उन्होंने मशीन को स्टार्ट किया, कंप्रेशर को स्टार्ट किया, 9:29 पे वो कंप्रेशर फट गया। उस कमरे में जितने मौजूद मजदूर थे जो नज़दीक थे कंप्रेसर के, वो 20 के 20 साथी इंजूरीड हुए। कंप्रेसर इतना तेज फटा है कि दो मजदूर जाली फाड़ के 20-30 फीट नीचे ज़मीन पे गिर गए और उनकी तत्काल मौत हो गई। बाकी 18 लोगों को जिनको अस्पताल में एडमिट किया गया है उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। उनको LNGP में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में और दिल्ली के अन्य अस्पतालों में गंभीर अवस्था में शिफ्ट किया गया है। उनके बचने की उम्मीदें बहुत ही कम हैं। इसके अतिरिक्त अभी ये भी हमें सूचना मिल रही है कि उस फैक्ट्री के अंदर और भी कुछ लाशें मौजूद हैं, और उनको रात के वक्त निकालने का या साफ करने का पुलिस ने प्लान किया है। तो हम सब लोगों को, C2 को लगता है कि ये बहुत ही विकराल घटना है। मुंडका के बाद और नागलोई की घटना के बाद, पिछले साल बवाना की घटना के बाद, ये बहुत ही भयानक हादसा मजदूरों के साथ हुआ है।